बिलासपुर की नम्होल उप तहसील के गांव घुआवी में एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से कई प्रहार कर बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का कत्ल कर डाला। घटनास्थल पर मौजूद बच्चों के द्वारा अपनी मां के बचाव के लिए की गई चीखों पुकार सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जिला बिलासपुर की नम्होल उप तहसील के गांव घुवावी में दिल दहला देने वाली एक घटना पेश आई है। यहां एक व्यक्ति ने बड़ी बेरहमी से अपनी ही जीवन संगिनी का कत्ल कर डाला। इस दौरान घटनास्थल पर उनके चार छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने पिता की एक करतूत अपनी आंखों से देखी। पूरी तरह से असहाय ये बच्चे अपनी माँ के साथ हुई वारदात को देख कर चीखो पुकार करते रहे, जिसे सुनकर गाँव पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने हत्यारे पति को काबू कर इस बारे में पुलिस को सूचना दी और हत्यारे पति को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेजा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी व्यक्ति पर पहले भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट के मामले दर्ज हैं। मृतका अपने पीछे चार नौनिहाल छोड़ गई है। 45 वर्षीय मृतका का नाम सोमा देवी है और हत्यारे पति का नाम जगदीश कुमार है। इससे पूर्व भी हत्यारा जगदीश कुमार अपनी पत्नी के साथ कई बार मारपीट कर चुका है। देखने वाला विषय यह है कि मृतका सोमा देवी ने अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सोमा देवी की शिकायत को हल्के में लिया गया। अगर सोमा देवी की शिकायत पर समय रहते गंभीरता से कोई कदम उठाया होता तो शायद वो अभागी आज जिंदा होती। अब प्रश्न ये उठता है कि कानूनी रूप से जगदीश कुमार को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, लेकिन उसके पीछे चार नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? इसका जिम्मा कौन उठाएगा? पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि शक के आधार पर मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नम्होल पुलिस चौकी के अंतर्गत ये गुआवी क्षेत्र में अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी व्यक्ति महिला का अपने घर में शव मिला शव पड़ा हुआ है। उसने जाके प्राइमा फेसी देखा और तहकीकात की तो हमने शक के आधार पर उसके पति को हिरासत में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और फर्दर कार्रवाई जारी है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट।